देहरादून चलो। और ये रहा सामने हिमालय। आई लाइक इट, क्या बढ़िया नजारा यार, वाह आज बढ़िया लग रहा है। आ गई भाई अपनी बस आ गई, इसमें बैठेंगे अब। यहाँ का नाम तीन धारा क्यों पड़ा होगा, यहाँ तीन धारे होंगे क्या, पता ना क्यों पड़ा है यहाँ का नाम तीन धारा। अरे भाई यार 20 मिनट लगा दिए मैं। तो हेलो गाइस, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज ब्लॉगिंग स्टार्टिंग होने वाली है घर से, और आज जाने वाले हैं हम देहरादून। तो देखते हैं क्या क्या होता है सफ़र में, और आज का ट्रैवलिंग ब्लॉग होने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी हो रहा है टाइम बस का, क्योंकि बस में जाएंगे कि मैक्स में तो सीट दर्द हो जाता मेरा, इसलिए बस में जाएंगे। 9 बजे वाली बस पकड़ेंगे सीधा देहरादून के लिए, ठीक है। चलते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चलो फिर सीधा। तो दोस्तों लोग इन खूबसूरत पहाड़ों को निहारना ही नहीं चाहते, ना ही इन खूबसूरत पहाड़ों की एकदम ताज़ी हवा को अपने अंदर लेना चाहते हैं, क्योंकि लोग शहरों की चकाचौंध में गुम हो गए हैं। तो आज हम शहरों की तरफ ही जा रहे हैं चकाचौंध को देखने के लिए। तो चलो फिर। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं पौड़ी के नए बस अड्डे में, और काफी बढ़िया बन गया है। जैसे लोगों ने बोला था वैसे बढ़िया, यहाँ से हिमालय दिख रहा है बहुत तगड़ा भाई। तो पापू से ऐसा हुआ कि जो रोडवेज, मतलब जो रोडवेज में मैंने आना था वो रोडवेज लेट आई थोड़ा, तो अभी आ रही है वो, मैं बस में आ गया पौड़ी तक। दिखाते हैं तब तक यहाँ वीडियो बनाते हैं पौड़ी बस अड्डे की, और यहाँ से हिमालय का व्यू दिख रहा है आज एक नंबर। दिखाते हैं, ये देखो हिमालय आज चमक रहा है भाई फुल। यहाँ से व्यू बहुत तड़ा लग रहा है यार, अभी ऊपर छत से बताता हूँ व्यू कैसे लग रहा है पौड़ी का। आज मैं पहली बार आया अंदर, देखो बैठने के लिए इतनी जगह है। तो ये देख सकते हो कितना बड़ा बना है यहाँ बीच में, और यहाँ कोई पैक मान नहीं जा रहा भाई। तो यहाँ से ऊपर चलेंगे, अब दिखा तो आज आपको बहुत मस्त नज़ारा। यह मेरी वाली पहाड़न बल शहर लेंगे, ये रहा छत। यह देखो यहाँ से व्यू भाई, क्या तगड़ा व्यू आ रहा है। और यहाँ का देखो अब, ये रहा पौड़ी और ये रहा सामने हिमालय। आई लाइक इट, क्या बढ़िया नज़ारा है यार, वाह आज बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों जैसे हमारे वहाँ है ना, हमारे वहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडा है, यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है, यहाँ बड़ी हवा चल रही है बहुत तगड़ी। और जैसा बस अड्डा आपने देख ही दिया होगा कैसा बना हुआ है, बहुत तगड़ा बना हुआ है। तो जब ये पुल बन रहा था ना बस अड्डे वाला, दिखाता हूँ ये पुल भी दिखाता हूँ, तो लोगों ने बहुत वो किया उसका, जसपाल मीनाम जी का, मतलब मजाक उड़ाया पुल का। लेकिन जसपाल मीनाम जी ने बता दिया भाई, जसपाल मीनाम जी ने बता दिया कि ऐसे बनता है पुल, तुम बोलते रहो, लेकिन बढ़िया बना है बहुत तगड़ा। ऐसे ही विकास होना चाहिए सब जगह, ठीक है ना, तभी चमकता भी है पौड़ी। जिस हिसाब से नाम है उस हिसाब से यहाँ काम नहीं था, लेकिन हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, देखते हैं क्या क्या होता है अभी आगे। तो ये राव पुल जिसका लोगों ने बढ़ चढ़ कर मजाक उड़ाया, और पार्टियों ने तो क्या बोले, लेकिन यशपाल बिनाम जी ने बता दिया कि हमने भी पुल वही बनाया और गाड़ियां भी यहाँ पहुंच गई हैं, तो बहुत बढ़िया।
तो अभी वेट कर रहे हैं बस का, क्योंकि आजकल बर्फ़ पड़ी हुई है ना, तो वो बस अब बहुत ऊपर से आती है, सेंट से आती है रोडवेज, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई होगी क्योंकि रास्ते में बर्फ़ पड़ी होगी इस वजह से। तो अभी वेट करते हैं कितनी देर में आती है, तब चलते हैं उसमें। क्योंकि जाने के लिए तो मैं गाड़ी में भी जा सकता था, मेरे बहुत सारे दोस्त जाते हैं, लेकिन गाड़ी में मुझे मज़ा नहीं आती यार, मेरा सिर दर्द होता पता नहीं क्यों। अब बाइक और स्कूटी, मतलब बाइक और स्कूटी की आदत पड़ गई ना, इस वजह से अब पता नहीं गाड़ी में क्यों मेरा सिर दर्द होता है। यहाँ से पौड़ी, मतलब पौड़ी से पाबू जाने में सिर दर्द हो जाता है, देहरादून तो पता नहीं कितना दूर है, इसलिए बस में जाएंगे आराम से सो सो के मज़े से। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है आगे। बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे बैठने के लिए बहुत जगह है भाई। जहाँ बस बस रुकती है और इसके नीचे है जो वहाँ मैक्स रुकती है। यहाँ देखते हैं भाई मूत्र, ओ माय गॉड, मूत्र का निकल है। अच्छा आ गई भाई अपनी बस, आ गई इसमें बैठेंगे अब, बस आ गई अपनी। जल्दी जल्दी बैठ जाते हैं कहीं फुल ना हो जाए। अरे दोस्तों उस बस में तो मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत खतरनाक भीड़ हो गई वहां, तो हो रही लड़ाई सीट के लिए। अबे यार आज बहुत गंदा फंस गया मैं बस के चक्कर में, क्या करें। देखते हैं अभी 1 बजे आती है वो लौट फिर करती है, देखते हैं उसमें जाते हैं, तब तक घूमते हैं या फिरते हैं, वरना क्या करें तब श्रीनगर जाना पड़ेगा। लेकिन जाएंगे जरूर देहरादून भाई, आज देहरादून जा कर रहेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होता है, बस दिखाता हूँ कितनी फुल हो रखी हो, दिखाएं। तो अभी तो बज रही है 11:30, अभी 1 बजे आएगी बस, तो तब तक पीते हैं चाय। तो दोस्तों यहाँ पे अब फिर मैं बस अड्डे की छत में आ गया हूँ, क्योंकि अभी 1 बजे आनी है बस, अभी 12 बज रही है, तब तक घूम रहे हैं फिर रहे हैं। तो अब पहले जैसा नहीं रहा यहाँ का, मतलब मन, क्योंकि पहले दोस्त थे बहुत सारे, अब सब कोई, अब कोई नहीं है। जब मतलब मैं पौड़ी यहाँ लगभग 1 साल रहा पर घुमा नहीं पूरा, उस पौड़ी में उतना मज़ा नहीं है यार, कुछ खास नहीं है पौड़ी। यही है कि अब सब काम यहीं पड़ गया, इसलिए भीड़ बढ़ा थोड़ा बहुत है, लेकिन उतनी भी नहीं है क्योंकि सब प्लान हो गया, इसलिए पौड़ी भी कुछ खास नहीं है। तो यहीं पर बैठते हैं थोड़ी देर 1 घंटा, तब चलते हैं बस आती है उसमें बैठते हैं। इस वाली में तो बहुत खतरनाक क्राउड बोलते हैं इसको भाई, सब लड़ाई भी हो रही अंदर, क्या बोलूँ यार भाई, इतना लड़ाई वहाँ बूढ़े, मतलब उस बस में सारे बूढ़े थे, बहुत गलत किया यार, बहुत गलत। तो जो ये बूढ़े वाला सीन है बहुत गलत है यार। तो लोग क्या करते हैं जो इनके मतलब जो 65 साल से ऊपर के हैं, अगर उन्हें जाना नहीं भी होगा फिर भी जाते हैं ज़बरदस्ती में, क्या करें यार। अब बूढ़ों के मतलब हमारे भी ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि मतलब बूढ़ों को, बूढ़ों की इज्जत करते हैं। तो चलो हमने बोला छोड़ो दूसरी बस में जा लेंगे, उनके लिए टाइम हो जाएगा, हमें देहरादून ही पहुँचने होगा, क्योंकि देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन यहाँ से पौड़ी का हिमालय जो का मौसम दिख रहा है ना आज, इतना मस्त लग रहा है ना, बहुत दिन बाद दिखा यार। गे बांधे जो पीपल पे धागे, किशोर में के धारे बहते पे बचा के।
आ गई भाई, बस आ गई। ये देखो ये तो 12 बजे आ गई, आज 1 बजे आती है, 12 बजे आ गई। चलो इसमें सीट करते हैं, जल्दी भाग के यार भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से भाई, अब देखते हैं इसमें सीट मिलती है कि नहीं, कहीं इसमें भी सीट नहीं मिल रही तो आज तो इसमें तो खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, चलो देखते हैं सीट है कि नहीं। देहरादून वाले बैठते रहियो भैया, कभी कोई पापा वाला गलत बैठ जाए भैया। तो ये यहाँ से आगे जाती है हमारे पाव बाजार के लिए रोड, ये ठीक आगे जाती है पाव बाजार के लिए, और यहाँ से ऊपर कट जाती है देहरादून के लिए। तो हम जाएंगे यहाँ से ऊपर, तो ये हम पहुँच चुके हैं देव प्रयाग में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तीन धारा में, और यहाँ का नाम तीन धारा क्यों पड़ा होगा, यहाँ तीन धारे होंगे क्या, पता ना क्यों पड़ा यहाँ का नाम तीन धारा। देखते हैं क्या क्या खाते हैं, पीते कुछ खेत कि नहीं, बाकी चलते हैं तब सीधा। यार देखो बस में आने का मेरा फायदा ये है कि मेरा आज सिर दर्द नहीं हो रहा बढ़िया, नहीं तो मैक्स में तो किसी की भी आता, लेकिन बस में आना चाहता था मैं, आराम से सो सो के आते रहेंगे क्यों। देखते हैं क्या होता है, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। तो ये देख सकते हो तीन धारा किस बीम में खड़ा है, देखो सब बीम के ऊपर बने हैं। ब्याल खतरनाक गलम जैसे नॉल तब तीन धारा तब तीन धारा जैसे नाला था। ये देखो कहाँ कहाँ क्या कहाँ कहाँ है, मतलब लोग होटल बना रखे, कहाँ कहाँ बना रखे लोगों ने होटल। ऋषिकेश पहुँच गए, रात हो गई भाई ऋषिकेश में। मैं पहाड़ों को रह बसी तो देहरादून रहन वाली, मैं धारा को पानी वालों तू बिसलेरी वाली, नहीं हो दो इन मिला नहीं करना छीन अनाड़ी। ये रही रेलवे पटरियां। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चकाचौंध में, देखिए ये रहा टोल, देहरादून का टोल जो रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ पे भी बस बहुत टाइम हो गया यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे सब टोल वाले, इतना टाइम नहीं लगता टोल पे। अब आवाज़ सुनो बस, टू 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 टू। अरे भाई यार 20 मिनट लगा दिए मैं। हम पहुंच चुके हैं आइस बीटी में, बहुत थकान लग गई, हमें रास्ता ही भूल गया भाई।
ये देखो आइस बिट्टी। तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ रास्ता कहाँ से था। आई नो, चलो फिर दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत हो गया, थक चुका हूँ मैं अब। ठीक है, चलते हैं घर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप कल, अगर कल कुछ होगा बना लेंगे, बाकी कल देखते हैं फिर क्या क्या। चलो फिर, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।